नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में गांव है भडला करके। यहां पर बड़ी गर्मी पड़ती है। गर्मियों में यहां पर आमतौर पर तापमान होता है 46 से लेकर 48 डिग्री सेल्सियस के बीच में, और बड़े ही भयंकर रेत के तूफान भी यहां पर आते हैं। इस जगह को अगर आप सैटेलाइट से देखोगे तो ये कुछ ऐसी दिखती थी 2015-16 में, लेकिन आज के दिन आप इस जगह की सैटेलाइट इमेज देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा, भडला सोलर पार्क। क्या आप जानते हैं दोस्तों, ये ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सोलर पार्क है। 14,000 एकड़ की जमीन पर, यानी ऑलमोस्ट 56 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर यहाँ सोलर पैनल्स लगाए गए हैं। जब आप इस सैटेलाइट व्यू से थोड़ा जूम इन करके जूम आउट करेंगे तब आपको अंदाजा होगा कि एक्चुअली में है कितना बड़ा। ये इतना बड़ा है कि आधा पेरिस का शहर इसमें फिट बैठ जाएगा। इसकी टोटल कैपेसिटी है 2245 मेगावाट्स की, यानी ये एक सिंगल सोलर पार्क इतनी बिजली प्रोड्यूस कर सकता है कि पूरे कोलकाता शहर की बिजली रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। इमेजिन करके देख सकते हो, ऐसे बड़े सोलर पावर प्लांट्स आपको सोलर एनर्जी की पोटेंशियल दिखाते हैं। अगर इंडिया से बाहर बात करें तो मोरक्को देश को वर्ल्ड लीडर माना जाता है सोलर एनर्जी के मामले में। पूरे देश में करीब 20% बिजली जनरेशन सोलर एनर्जी से होती है, और दुनिया का लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट आपको मोरक्को में मिलेगा। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब है ऐसे सोलर पावर प्लांट जो सनलाइट से हीट जनरेट करते हैं, सनलाइट को एक तरफ कॉन्सेंट्रेट करके इन ट्यूब्स में, जो आपको ट्यूब सामने दिख रही हैं, और इस थर्मल एनर्जी से बाद में बिजली प्रोड्यूस होती है। दूसरी तरफ जो नॉर्मल सोलर पैनल्स होते हैं वो फोटोवोल्टाइक सोलर पैनल्स होते हैं, जैसे कि जो राजस्थान में लगे हुए हैं, वो सीधा सनलाइट को इलेक्ट्रिकल चार्जेस में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग सवाल यहां पर ये उठता है कि ऐसे बड़े सोलर प्रोजेक्ट्स को हम कितना बड़ा और बना सकते हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि पूरे रेगिस्तान को सोलर पैनल से ही भर दिया जाए? क्या होगा अगर हम पूरे सहारा डेजर्ट को सोलर पैनल से ही कवर कर दे तो? क्या पूरी दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड्स को सिर्फ इन सोलर पैनल से ही कवर किया जा सकता है? We need less of this and more of this. The solar energy, it is likely to account for 60% of global renewable power growth in 2022. If we can fly an airplane entirely solar powered, solar power plants in orbit would be able to provide energy day and night, all year long, and no matter what the weather's like. एक्चुअली दोस्तों, रियलिस्टिकली बात करें तो पूरी दुनिया की बिजली की जरूरतें पूरी करने के लिए हमें पूरे सहारा रेगिस्तान को सोलर पैनल से कवर करने की भी जरूरत नहीं है। धरती पर इतनी ज्यादा सोलर एनर्जी पड़ती है कि आप यकीन नहीं करोगे। हर समय 173,000 टेरावाट सोलर एनर्जी धरती पर पड़ती है, और ये पूरी दुनिया की टोटल एनर्जी कंजम्पशन से 10,000 गुना ज्यादा है। अनुमान लगाया गया है कि धरती पर पड़ने वाली सनलाइट सिर्फ 1.5 घंटे के लिए पूरी दुनिया की साल भर की एनर्जी कंजम्पशन पूरी कर सकती है। तो इसका मतलब है कि काफी छोटे एरिया पर सोलर पैनल्स लगाने से ही दुनिया की सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। अब यहाँ पर कितने छोटे एरिया की बात करी जा रही है, एग्जैक्टली कितनी जमीन पर सोलर पैनल्स लगाने पड़ेंगे, इसको लेकर एक एस्टिमेट निकाला था एक औरत नाडिन मे ने अपनी रिसर्च थीसिस में साल 2005 में। उन्होंने कहा, नॉर्थ अफ्रीका के हिस्से में अगर आप जूम इन करोगे इतने छोटे से एरिया में, ये जो रेड स्क्वायर दिखने लग रहा है, यहाँ पर अगर आपने सोलर पैनल्स लगाए तो पूरे यूरोप की जितनी बिजली की जरूरतें हैं वो सारी पूरी हो जाएंगी। इससे थोड़ा सा बड़ा स्क्वायर बनाया जाए, एक ऐसा स्क्वायर जिसका साइज हो 254 किलोमीटर बाय 254 किलोमीटर, सिर्फ यहाँ पर लगाए गए सोलर पैनल्स काफी होंगे पूरी दुनिया की बिजली की जरूरतें पूरी करने के लिए। है ना, बहुत ही माइंड ब्लोइंग चीज। लेकिन ये एस्टिमेट थोड़ा पुराना है, 2005 में किया गया था, तब से लेकर अब तक बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ चुकी है दुनिया भर में। तो इससे थोड़ा और ज्यादा रियलिस्टिक एस्टिमेट बनाया गया जो कि कुछ ऐसा दिखता है। ये आपको मिल जाएगा landartgenerated.org वेबसाइट पर। इसमें अजम्पशंस लगाए गए हैं कि यहां पर लगाए गए सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी होगी 20%। इस एस्टिमेट में दुनिया के सिर्फ एक जगह पर सोलर पैनल्स नहीं लगा रखे बल्कि दुनिया में अलग अलग जगहों पर छोटे छोटे स्क्वायर्स आपको दिख रहे हैं, थोड़ा और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और कहा है कि इन जगहों पर अगर इतने बड़े बड़े साइज के सोलर पावर प्लांट्स बनाए जाएंगे तो पूरी दुनिया की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी। और क्या अजम्पशंस लिए हैं यहां पर ये कैलकुलेशन करते वक्त, और एग्जैक्ट कैलकुलेशंस क्या हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि करीब 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर की जमीन हमें चाहिए होगी। इतनी बड़ी जमीन पर हमें सोलर पैनल्स लगाने होंगे दुनिया भर की एनर्जी डिमांड मीट करने के लिए। 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर बहुत बड़ा साइज लग रहा है सुनने में, लेकिन ये मत भूलिए जो शुरू में मैंने आपको राजस्थान में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट दिखाया था उसका साइज था अराउंड 56 स्क्वायर किलोमीटर। तो दुनिया भर में 9,000 ऐसे और सोलर पावर प्लांट्स बनाए जाएंगे तो काम हो गया। यहाँ पर सिर्फ इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो पीक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है
9th जून 2022 को देखी गई थी एट अ रिकॉर्ड ऑफ 210,793 मेगावाट, यानी अप्रोक्सीमेटली 2,00,000 मेगावाट। और हमने क्या देखा, वो जो राजस्थान वाला सोलर पावर प्लांट है वो तो 2,000 मेगावाट से ज्यादा ही जा रहा है। यानी सिर्फ इंडिया की जरूरतें पूरी करने के लिए वैसे ही 100 और पावर प्लांट्स बना दें हम इंडिया में, तो अपने देश की भी सारी बिजली की जरूरतें पूरी हो जाएंगी सिर्फ सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके। अच्छा, एक बार वो दुनिया वाले एस्टिमेट पर वापस आए, वो जो 5,00,000 स्क्वायर किलोमीटर वाला एस्टिमेट है, तो कुछ बड़े इंटरेस्टिंग कंपैरिजन हमें देखने को मिलते हैं। अमेरिका में जो हाईवेज बिछाए गए हैं, अगर जो टोटल एरिया आप सारे हाईवेज का देखोगे वो निकल के आता है अराउंड 94,000 स्क्वायर किलोमीटर, यानी ये करीब 20% हो गया उस 5,00,000 की जरूरत तक का। और अमेरिका भी अपने आप में करीब दुनिया की 20% एनर्जी कंज्यूम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका ने जितना पैसा स्पेंड किया है सड़कें बिछाने में गाड़ियों के लिए, उतने ही एरिया पर अगर सोलर पैनल्स लगाए जाएं तो अमेरिका की सारी बिजली की डिमांड सिर्फ सोलर एनर्जी से ही पूरी हो जाएगी। ऐसा ही एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है गोल्फ कोर्सेस के साथ। एक टिपिकल गोल्फ कोर्स का साइज होता है 1 स्क्वायर किलोमीटर। दुनिया भर में आज के दिन करीब 40,000 गोल्फ कोर्सेज हैं, यानी उन गोल्फ कोर्सेज की जगह अगर सोलर फार्म्स बनाए जाए तो ऑलमोस्ट 10% रिक्वायरमेंट तो यहीं पूरी हो गई। तो जाहिर सी बात है सुनने में बहुत अच्छा लगता है ये प्लान। अगर इतना ही अच्छा है तो दुनिया भर की सरकारें कर क्यों नहीं रही, क्योंकि ऑब्वियसली दोस्तों जब हम प्रैक्टिकली सोचने लगते हैं तो कई और प्रॉब्लम्स हैं जो सामने आती हैं। सबसे पहली हो गई जियोपॉलिटिक्स की प्रॉब्लम। अगर ये सहारा डेजर्ट के अराउंड जो देश हैं इन्हीं में ही सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे तो बाकी देशों को इन देशों पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। बहुत ज्यादा पावर आ जाएगी इन देशों के हाथों में, जो कि और देश चाहेंगे नहीं। और एनर्जी के नाम पर वैसे भी इतिहास में बहुत जंग छेड़ी जा चुकी है, जो तेल के नाम पर हुई है जैसे, क्योंकि तेल कुछ ही देशों में ज्यादा पाया जाता है। अगर सोलर एनर्जी के साथ भी होने लग गया तो फिर से यही प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करने की। हमने इतने बड़े बड़े सोलर पार्क्स बना दिए मान लो सहारा डेजर्ट में या बाकी और जगहों पे दुनिया में, उस बिजली को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने तक बहुत पैसा लगेगा, बहुत बिजली खर्च होगी और बहुत वेस्टेज भी होगी। सही सुना आपने, जब बिजली को एक से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं तो ट्रांसमिशन में कुछ लॉसेस तो आते ही आते हैं। तीसरी बड़ी प्रॉब्लम आएगी मेंटेनेंस की। इतने सारे सोलर पैनल्स को मेंटेन कौन करेगा, उन्हें रेगुलरली साफ करने की जरूरत होती है, स्पेशली अगर उन्हें रेगिस्तान जैसी जगहों पर लगाया जा रहा है जहां पर रेत के तूफान आते हैं, तो वो रेत जब सोलर पैनल्स के ऊपर जमा हो जाएगा वो काम नहीं करेंगे ढंग से। तो आप सोचोगे वो जो राजस्थान में सोलर पावर प्लांट बनाया गया है वहां पर इस प्रॉब्लम से कैसे डील किया जा रहा है, तो वहां पर एक्चुअली में दोस्तों 2,000 से ज्यादा क्लीनिंग रोबोट्स लगाए गए हैं। तो सोल्यूशन हमारे पास है लेकिन इस चीज के बारे में भी सोचना होगा। लेकिन इसके बाद अगली बड़ी प्रॉब्लम आएगी लाइफ साइकिल की। ऐसा तो है नहीं कि एक बारी सोलर पैनल्स लगा दिए तो अगले हजारों 10,000 सालों तक वो बिजली प्रोड्यूस करते रहेंगे। इन सोलर पैनल्स का एक लाइफ स्पैन होता है जो कि आमतौर पर 25 साल का होता है। तो 25 साल तक हमें ये इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी मिलेगी, उसके बाद हमें इन्हें रिप्लेस करना पड़ेगा। बहुत सारे रिसोर्सेज खर्च होंगे, बहुत सारा पैसा लगेगा। और पैसों की बात करते हुए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सामने खड़ी है वो तो पैसों की ही है। क्यों नहीं हम पूरे देश में इस राजस्थान सोलर पावर प्लांट के साइज के ही 100 और पावर प्लांट्स बना देते, क्योंकि पैसा नहीं है इतना, कहां से आएगा इसके लिए पैसा। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारे सामने, क्या कोई सोल्यूशन है इन प्रॉब्लम्स का? सोल्यूशन तो बिल्कुल है। एक बड़ा सोल्यूशन जो सामने दिखता है वो ये है कि सोलर एनर्जी को इन बड़े सोलर पार्क्स में इमेजिन करने की जगह इंडिविजुअल लेवल पर इमेजिन करो। बहुत सी जो प्रॉब्लम्स इन बड़े स्केल पर आ रही हैं वो इंडिविजुअल लेवल पर नहीं आएंगी। अगर लोगों ने अपने घरों में सोलर पैनल्स लगाने शुरू कर दिए, जियोपॉलिटिक्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेंटेनेंस करना बहुत आसान है क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पर मेंटेनेंस होगी, आपकी सोलर कंपनी मेंटेनेंस करेगी। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की कोई दिक्कत आएगी नहीं क्योंकि लोग उस बिजली को पहले अपने घर के लिए इस्तेमाल करेंगे, बाद में आगे डिस्ट्रीब्यूट करने की सोचेंगे। और कॉस्ट की बात करी जाए तो सभी लोग फायदे में ही रहेंगे। आज की डेट में रूफटॉप सोलर से सस्ती बिजली नहीं है। चाहे आप इंडिया के किसी भी स्टेट में रहते हो, अगर आपके घर के ऊपर रूफटॉप सोलर लगाने की जगह है तो आपको बहुत फायदा होगा। तो इंडिविजुअल सोलर सिस्टम्स की बात करें दोस्तों, ये दो टाइप्स के होते हैं, एक है ऑन ग्रिड और दूसरा है ऑफ ग्रिड। ऑन ग्रिड का मतलब है कि आपने जो अपने घर में सोलर सिस्टम लगा रखा है वो ग्रिड से कनेक्टेड है। नेट मीटरिंग की फैसिलिटी इसमें आपको मिलती है, मतलब जब धूप निकली हुई है जो भी बिजली आपके सोलर पैनल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे पहले आपके घर को बिजली मिलेगी। ज्यादा बिजली बन रही है तो वो ज्यादा बिजली ग्रिड में चली जाएगी ताकि बाकी लोग इस्तेमाल कर सकें।
और जब रात का समय आता है, जब आपके पास सोलर पैनल से बिजली नहीं आ रही है, तो आप ग्रिड से बिजली इस्तेमाल करते हैं। जो आप बिजली इस्तेमाल करेंगे उसकी कॉस्ट आपको भरनी पड़ेगी, लेकिन जो आप बिजली ग्रिड में देंगे उसके लिए आपको पैसे मिलेंगे। तो जो यहाँ पर नेट बना सिर्फ वो ही आपका बिजली का बिल आएगा, इसे नेट मीटरिंग कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है ऑफ ग्रिड सिस्टम्स। इसका मतलब है कि आपने अपने सोलर सिस्टम्स को ग्रिड से कनेक्ट नहीं कर रखा, आपने उसे एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। जब रात में सोलर एनर्जी नहीं अवेलेबल है तो बैटरी में जाकर एनर्जी स्टोर होने लग रही है और उस बैटरी का आप इस्तेमाल करते हैं अपने घर की बिजली चलाने के लिए। इस वाले में प्रॉब्लम यह है कि बैटरीज की कॉस्ट अक्सर बहुत हाई होती है, तो इसलिए ऑन ग्रिड सिस्टम लगाना ही फायदेमंद रहता है। लाइफ साइकिल की बात करें तो जैसे मैंने बताया, एक आम सोलर पैनल का एवरेज लाइफ स्पैन होता है 25 साल का। तो एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और अगले 25 सालों तक आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलने लग रही है। ऑब्वियसली यहां पर एक इन्वेस्टमेंट का ब्रेक इवन पॉइंट आएगा जो कि 3 से 5 साल के बीच में आ सकता है। तो पहले 3 से 5 साल आपने इन्वेस्ट किए और उसके बाद आपको इसका रिटर्न मिलना शुरू हुआ और 5 से लेकर 25 सालों में आपको सिर्फ प्रॉफिट ही मिल रहा है। स्पेसिफिकली अगर इंडिया में बात करें तो यहाँ पर फायदा ये भी है कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडीज भी मिलती हैं अप टू 94,000 रुपीज अगर आप घर में अपने सोलर पैनल्स लगाना चाहते हैं। अब घरों पर सोलर पैनल्स लगाने को एक लेवल और ऊपर ले जाएं तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता। इन घरों को देखिए, इन्हें हीलियोट्रोप्स कहा जाता है। पहला ऐसा घर बनाया गया था फ्राइबुर्ग जर्मनी में साल 1994 में। बहुत ही फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट दिखता है और ये एक ऐसा घर है जो कम्प्लीटली सोलर पावर्ड है। रोल्फ डिश नाम के एक जर्मन आर्किटेक्ट और एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ने पहला ऐसा घर बनाया था। ये जो इसकी सिलेंड्रिकल शेप देखने लग रहे हैं, इसके पीछे एक बड़ा पर्पस है। सर्दियों के समय में इस घर की खिड़कियां सन की तरफ फेस करती हैं ताकि ज्यादा गर्मी अब्सॉर्ब की जा सके और घर को गर्म रखा जा सके। पीछे का हिस्सा बहुत ही हाईली इंसुलेटेड है और गर्मियों में धूप पीछे की तरफ पड़ती है ताकि घर को ठंडा रखा जा सके। इससे जो खर्चा उठता है घर को ठंडा या गर्म रखने का, वो बहुत कम हो जाता है। इसके अलावा घर के ऊपर सोलर पैनल्स लगाए गए हैं जहां से घर की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं और वो भी इंडिपेंडेंटली रोटेट करते रहते हैं। दिन के समय में जहां जहां सूरज जाता है वो सूरज की डायरेक्शन में पॉइंट करते रहते हैं ताकि मैक्सिमम एनर्जी प्रोडक्शन हो। गर्म पानी भी घर में वैक्यूम ट्यूब सोलर पैनल्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है और ये पूरा बिल्डिंग का डिजाइन दुनिया के मार्केट में सबसे एनर्जी एफिशिएंट डिजाइन है। एक ऐसा घर 5 से 6 गुना ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है जितना वो कंज्यूम करता है। इसके आर्किटेक्ट इसे प्लस एनर्जी कहते हैं। तो ये कंप्लीटली एमिशन फ्री है, CO2 न्यूट्रल है और 100% रीजेनरेटिव है। तब के बाद से ऐसे कई और हीलियोट्रोप घर बनाए जा चुके हैं और ये फिनोमेना जो है इसे हीलियोट्रोपिज्म कहते हैं। ये नेचर में हमें देखने को मिलता है। जो फूल होते हैं, सनफ्लावर्स होते हैं, वो सन की तरफ फेस करते हैं। दिन के समय में वो फूल खिल जाते हैं और रात के समय में उनके पेटल्स बंद हो जाते हैं। ठीक वो फ्लावर्स जिस तरीके से काम करते हैं, ये घर भी उसी तरीके से काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत सी पोटेंशियल है सोलर एनर्जी में, अगर हम इंडिविजुअल लेवल पर भी बात करें तो। बेस्ट सोल्यूशन यहाँ पर ये नहीं है कि सिर्फ इंडिविजुअल सोलर पैनल्स ही लोग अपने घर पर लगाएं और ये सोलर पार्क्स बनाने बंद कर दिए जाएं, या फिर सिर्फ सोलर पार्क्स ही बनाए जाएं, इंडिविजुअल भूल जाओ। जगह को देखकर, पैसों को देखकर और जरूरत को देखकर दोनों का एक कॉम्बिनेशन जरूरी है यहाँ पर। अब मैंने बहुत तारीफ कर दी इस वीडियो में सोलर एनर्जी की, तो इसकी दूसरी साइड भी आपको बता देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सोलर एनर्जी एक मैजिक है जिससे दुनिया की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। इसके कई ड्रॉबैक्स भी हैं और कमियां भी हैं, लेकिन इसके ड्रॉबैक्स वो नहीं है जो शायद आप सोचने लग रहे हो। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो लोगों को लगता है सोलर एनर्जी का, वो ये है कि जब बादल आ जाते हैं या फिर सर्दियों के समय में, सोलर एनर्जी इतनी अच्छी काम नहीं करेगी। ये एक बहुत बड़ी मिथ है, क्योंकि अगर समर्स में आप देखेंगे 6 यूनिट पर किलोवाट पर डे प्रोड्यूस हो रहा है, तो मॉनसून के सीजन में ये 3 यूनिट पर किलोवाट पर डे होता है और विंटर्स में 4 यूनिट पर किलोवाट पर डे होता है। तो हाँ, थोड़ा सा फर्क है लेकिन ज्यादा नहीं है, क्योंकि फोटोवोल्टाइक का जो कॉन्सेप्ट है वो रोशनी पर काम करता है। एज लॉन्ग एज आसपास रोशनी काफी है, चाहे बारिश आ रही हो, बादल हो, वो काम करेंगे। यही कारण है कि बहुत सी ठंडी जगहों में भी आपको सोलर पैनल्स देखने को मिलेंगे। नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज में भी बहुत से घरों में सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं, इवन दो वहां पर ज्यादा ठंड पड़ती है, क्योंकि एज लॉन्ग एज यहाँ पर रोशनी आपको आ रही है तो ये काम करते हैं। तो अगर ये डिसएडवांटेज नहीं है तो क्या है एक्चुअली में डिसएडवांटेज? सबसे बड़ा है कार्बन एमिशंस को लेकर। इसके पीछे रीजन ये है कि ज्यादातर सोलर सेल्स एक्चुअली में सिलिकॉन सेमीकंडक्टर्स और ग्लास से बनते हैं। साथ ही साथ मेटल्स जैसे कि सिल्वर, कॉपर, इंडियम, टेलोरियम का इस्तेमाल किया जाता है। एक सोलर पैनल को बनाने के लिए इन मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, जिसकी एक भारी एनवायरमेंटल कॉस्ट भी होती है। सिलिकॉन और ग्लास को कलेक्ट करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हर जगह मिलते हैं और एक नॉन टॉक्सिक तरीका है। लेकिन जिन मेटल्स की यहाँ पर बात करी गई है, सिल्वर, कॉपर और जो बाकी और
मेटल्स थे उनकी माइनिंग करनी पड़ती है, और वो माइनिंग करने से सॉयल वाटर और एयर पोल्यूशन होता है, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस फैलते हैं। इसके अलावा जो पूरा प्रोसेस होता है सोलर पैनल्स को फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चर करने का, उससे अपने कार्बन एमिशंस निकलते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर यह भी कंसिडर करना चाहिए कि अगर हम सीधा फॉसिल फ्यूल से कंपेयर करें, कोल गैस ऑयल हो गया, उनके कंपैरिजन में तो ऑब्वियसली बेटर है एनवायरनमेंट के लिए सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करना। लेकिन पॉइंट यहाँ पर यह है कि ऐसा नहीं है कि सोलर एनर्जी कंप्लीटली जीरो इंपैक्ट होता है इसका एनवायरनमेंट पर। एस्टिमेट लगाया जाता है कि करीब 20 गुना कम कार्बन आउटपुट है सोलर एनर्जी का, सोलर पैनल्स का, अगर हम कोल से कंपेयर करें तो। इसके अलावा दूसरा बड़ा डिसएडवांटेज है सोलर पैनल्स की लाइफ साइकिल। तब क्या होगा जब सोलर पैनल्स की लाइफ साइकिल खत्म हो जाएगी? आप बोलोगे उसे रिप्लेस कर देंगे हम, लेकिन जो पुराना सोलर पैनल है उसका क्या होगा? क्या उसे रिसाइकल किया जाएगा? आज के दिन सोलर पैनल्स को रिसाइकल करना इकोनॉमिकली इतना प्रॉफिटेबल नहीं है। आज के दिन इतनी जरूरत भी नहीं पड़ी है सोलर पैनल्स को रिसाइकल करने की, क्योंकि 1970s में लगाए गए सोलर पैनल्स भी आज तक चलने लग रहे हैं। 50 साल के बाद उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, लेकिन फिर भी इन्हें यूज करते रहा जा सकता है। लेकिन एक समय जरूर आएगा फ्यूचर में जब बहुत से सोलर पैनल्स को रिप्लेस करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये कुछ चीजें जिनका फ्यूचर में ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन अगर फ्यूचर देखा जाए सोलर एनर्जी का तो वो काफी ब्राइट है। साल भर साल सोलर पैनल्स को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट नीचे जाती रह रही है, नई टेक्नोलॉजीज और इनोवेशंस देखने को मिल रही हैं, एफिशिएंसी बढ़ रही है सोलर पैनल्स की, लोग और क्रिएटिव तरीके ढूंढ रहे हैं सोलर एनर्जी को जनरेट करने के, ना सिर्फ जमीन पर, ना सिर्फ घरों में, बल्कि वाटर बॉडीज के ऊपर भी। केरला में आपको फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स देखने को मिलेंगे, मालदीव्स में भी ऐसी फ्लोटिंग सोलर पैनल्स बनाए गए हैं टूरिस्ट रिजॉर्ट्स को पावर करने के लिए। ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में इनका इंट्रोडक्शन देखने को मिला है। गाड़ियों पर सोलर पैनल्स लगाना शायद आपको इतना इंटरेस्टिंग ना लगे, लेकिन बोट्स और एरोप्लेन्स पर भी इन्हें लगा के टेस्ट किया जा रहा है। सन 21 सोलर बोट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड करती है, सबसे कम समय में अटलांटिक ओशन को क्रॉस किया सिर्फ सोलर एनर्जी के इस्तेमाल पे। सोलर इंपल्स 2 एक एरोप्लेन है जिस पर 17,000 सोलर सेल्स लगाए गए हैं उसके विंग्स पर। 40,000 किलोमीटर ये प्लेन उड़ चुका है बिना किसी फ्यूल का इस्तेमाल करे। और इन सारे क्रिएटिव आइडियाज को अगर हम और फ्यूचर में लेकर जाएं तो और भी फ्यूचरिस्टिक आइडियाज डिस्कस किए जा रहे हैं, जैसे कि सोलर पैनल्स को स्पेस में लगाना। एक्चुअली एक फन फैक्ट यहाँ पर सुनकर आपको शायद सरप्राइजिंग लगे, सबसे पहला इस्तेमाल सोलर एनर्जी का स्पेसक्राफ्ट्स ने ही किया था। 1950s में स्पेसक्राफ्ट वैनगार्ड 1 पर लॉन्च करी गई पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिस पर सोलर सेल्स लगे थे। After 2 much publicized failures, Project Vanguard scores a bullseye on its third firing at Cape Canaveral. A grapefruit-sized satellite is set into the nose cone of a three-stage rocket, and the launching routine begins. आज के दिन तक ये सैटेलाइट ऑर्बिट में चलने लग रही है। आज के दिन 50 से ज्यादा ब्रिटिश टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि एयरबस, यूके स्पेस एनर्जी इनिशिएटिव, ये सब साथ में आए हैं कोलैबोरेट करने के लिए कि एक सोलर पावर प्लांट स्पेस में बनाया जाए। इनका आइडिया है कि एक ऑर्बिटिंग पावर प्लांट हो, जैसे सैटेलाइट धरती के अराउंड ऑर्बिट करती रहती है, हम इतने सारे सोलर पैनल्स लगाए हैं कि वो इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करे कि उसे धरती पर बीम डाउन करके इस्तेमाल किया जा सके। ये कहते हैं कि माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल करेंगे धरती पर उस एनर्जी को बीम करने के लिए और इस्तेमाल करने के लिए। बहुत सी प्रॉब्लम्स जो धरती पर होती हैं, जैसे कि रात आ जाती है, बादल आ जाते हैं, बारिश आ जाती है, डस्ट आता है, ये सारी प्रॉब्लम्स स्पेस में देखने को नहीं मिलेंगी। तो एस्टिमेट लगाया जाता है कि ऐसा सोलर सिस्टम जो स्पेस में लगाया जाएगा वो 13 गुना ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा धरती पर लगाए गए सेम सोलर सिस्टम से। इनका प्लान है कि 2035 तक ये हकीकत बन पाए, लेकिन टाइम ही हमें बताएगा कि कितना पॉसिबल हो सकता है। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया, और टेक्नोलॉजी और साइंस रिलेटेड वीडियोस देख सकते हो आप इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।